आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिल्ली हिंसा पर सोनिया गांधी ने मांगा गृह मंत्री शाह से इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वालों से की शांति की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सार्वजनिक सड़क प्रोटेस्ट के लिए नहीं। शाहीन बाग पर अब सुनवाई 23 मार्च को। बारातियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार बस नदी में गिरी, 25 लोगों की मौत, कई जख्मी। मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञापन पर कमलनाथ पर निशाना, बीजेपी ने कहा सारे अभियान वसूली के लिए। और भोपाल पुलिस ने शराब माफिया दिलीप शिवरे को जबलपुर से पकड़ा, धोखाधड़ी के मामले हैं दर्ज। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़कने के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि शांति बहाली की कोशिश की जा रही है, पुलिस और एजेंसियों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। मैं दिल्ली की अपनी बहनों और भाइयों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि माहौल शांत हो और सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंसा के मसले पर गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं कोर्ट ने भी इस मसले पर पुलिस के प्रति नाराजगी जाहिर की और कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को जनता के बीच जाना चाहिए। इस बीच आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा का शव मिला है। दंगाइयों ने शर्मा की हत्या कर उनका शव नाले में फेंक दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त स्थिति पर व्यापक समीक्षा की गई। पुलिस और अन्य एजेंसियां शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर काम कर रही हैं। शांति की कोशिशें जारी हैं। मैं दिल्ली की अपनी बहनों और भाइयों से हर समय शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूँ। यह महत्वपूर्ण है कि शांति हो और सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो। इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस तक पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता नफरत की बोली बोलते रहे और सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने पूछा कि गृह मंत्री अमित शाह रविवार से कहां थे। सोनिया ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे। दिल्ली हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है। सरकार और पुलिस के एक्शन में आने के बाद भी आज सुबह फिर हिंसा भड़की। दिल्ली के गोकुलपुरी में आगजनी हुई। अब भी राजधानी के 4 इलाकों में कर्फ्यू है। चांदबाग पुलिया के नाले से आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा का शव मिलने से पुलिस सकते में है। शर्मा को मंगलवार शाम पुलिया पर दंगाइयों ने घेर लिया था। इसके बाद उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद उनका शव नाले में फेंक दिया गया। दिल्ली पुलिस पर आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया तो हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का वीडियो दिखाकर सरकार और पुलिस को आईना दिखा दिया। हिंसा को लेकर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार को जल्द से जल्द शांति स्थापित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हिंसा पीड़ित इलाकों में जाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही कहा कि दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की सुविधा होनी चाहिए, साथ ही फोन सर्विसेज को सुचारू करना चाहिए। इसी दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अभी भी 1984 के पीड़ितों के मुआवजे के मामले से निपट रहे हैं, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। एक तरफ सीएए पर बवाल मचा है, ऐसे में शाहीन बाग कालिंदी कुंज सड़क पिछले 70 दिनों से बंद है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी माहौल इस केस की सुनवाई के लिए ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सार्वजनिक सड़क प्रोटेस्ट के लिए नहीं है और पुलिस में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को सुनवाई करेगा। शाहीन बाग केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों से कहा कि हमने उनकी दी रिपोर्ट देख रखी है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर
जनरल ने कहा कि आप पुलिस को डिमोलाइज नहीं कर सकते हैं। इस समय हमारे पुलिस बल के कांस्टेबल की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस मामले में विचार नहीं करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए वातावरण ठीक नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये बेहद गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि सार्वजनिक जगह प्रदर्शन की जगह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपना काम करे, कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करना पड़ता है। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि जिस पल एक भड़काऊ टिप्पणी की गई, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। दिल्ली ही नहीं, इस मामले के लिए कोई भी राज्य हो, पुलिस को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। ये दिक्कत पुलिस की प्रोफेशनलिज्म में कमी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रशासन को एक्शन लेने से नहीं रोका है। अदालत ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई होली के बाद होगी, तब तक स्थितियां सामान्य होंगी। राजस्थान में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बारातियों से भरी बस नदी में जा गिरी। इस हादसे में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारातियों से भरी यह बस कोटा से सवाई माधोपुर जा रही थी, तभी रास्ते में एक पुल से गुजरते हुए बस असंतुलित होकर नदी में जा गिरी। हादसा राजस्थान के बूंदी में स्थित कोटा लाल सोत मेगा हाईवे पर स्थित लाखेरी में हुआ। तेज रफ्तार बस अचानक असंतुलित होकर नदी में गिर गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर पुलिस को सूचना दी। यह हादसा बूंदी में मेज नदी पर बनी पुलिया पर हुआ। पुलिया पर सुरक्षा दीवार नहीं है। बताया जा रहा है कि बस में कोटा के एक परिवार के कुछ लोग शादी समारोह में भात लेकर जा रहे थे। बस में क्षमता से अधिक सवारियां थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाते हुए शवों को बस से निकालने का काम शुरू किया। हादसे की सूचना मिलते ही भारी भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई। नदी में पानी होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हादसे के बाद अशोक गहलोत सरकार ने तत्काल मदद देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। अखबार में छपे सरकारी अवैध उत्खनन रुकने के विज्ञापन को लेकर पूर्व जनसंपर्क मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगी है तो कंप्यूटर बाबा कैसे जाकर अवैध उत्खनन पकड़ रहे हैं। आपके मंत्री अवैध उत्खनन न रोक पाने के लिए माफी मांग रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध और नई शराब नीति वसूली का अभियान बना हुआ है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर विज्ञापन के माध्यम से दिखाई दे रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक नरोत्तम मिश्रा ने अखबार में छपे सरकार के विज्ञापन को लेकर कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि सरकार का विज्ञापन सरकार को ही आईना दिखा रहा है। अगर रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगी है तो कंप्यूटर बाबा कैसे जाकर अवैध उत्खनन पकड़ रहे हैं। आपके कैबिनेट मंत्री ने भी माफी मांगी कि हम रेत का अवैध उत्खनन नहीं रोक पाए। ड्रग माफिया मुक्त करने की बात आप कर रहे हैं, जबकि शराब से ही 4,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलने के लिए आपने नई आबकारी नीति बनाई है। आपका दावा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि मंत्री ही कह रहे हैं कि बाहर निकलने से डर लगता है, महिलाएं असुरक्षित हैं। नरोत्तम ने कमलनाथ सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पूरे प्रदेश में वसूली का अभियान बन गया है। भोपाल का बड़ा व्यवसायी तो अपना व्यवसाय बंद करके ही भाग गया। इस विज्ञापन में सरकार की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन माननीय कमलनाथ जी के फोटो के साथ देखा, सरकार को आईना दिखाने के लिए यही विज्ञापन काफी है। उन्होंने अपराध और माफिया मुक्त होने की बात कही, रेत के अवैध कारोबार खत्म करने की बात कही। अगर रेत का कारोबार और माफिया खत्म हो गया तो जो कंप्यूटर बाबा नदियों पर जाके पकड़ रहे हैं, कभी पोकलिंग पकड़ते हैं, कभी ट्रैक्टर, कभी डंपर, तो ये कौन से किनको पकड़ रहे हैं? कौन सा अवैध कारोबार है और कौन कर रहा है? आपके मंत्री कह चुके हैं कि हम माइनिंग का काम, अवैध माइनिंग नहीं रोक पाए, इसलिए हम माफी मांगते। आपने कहा कि ड्रग माफिया, अरे आप सरकार हुजूर, मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान सिर्फ आपने शराब से किया है। होम डिलीवरी की बात सरकार सोच रही है, कैसे ड्रग माफिया को रोकेंगे आप? नौजवान को नशे की गर्त में ढकेलने वाला ये प्रदेश, बिल्कुल विपरीत विज्ञापन दिया है आपने। जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं एकदम विपरीत है। लाखों की धोखाधड़ी करने वाले शराब माफिया दिलीप शिवहरे को जबलपुर में भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
शराब माफिया को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के लिए हबीबगंज थाना लाएगा। शिवहरे पिछले 3 महीने से फरार था। धोखाधड़ी के आरोप में फरार शराब माफिया दिलीप शिवहरे को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शिवहरे को जबलपुर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब शिवहरे की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद वह कोर्ट से बाहर आ रहा था। पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए उसे हबीबगंज थाने लाया गया, जहां से उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। गौरतलब है कि दिलीप शिवहरे पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। शिवहरे ने अपने करीबी मित्र अशोक दुबे से शराब कंपनी में करीब 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाए थे। दोनों के बीच कंपनी में होने वाले लाभांश को लेकर सौदा हुआ था, लेकिन शिवहरे ने अपने पार्टनर अशोक दुबे को धोखा दे दिया और शिवहरे ने ना तो रुपए लौटाए और ना ही लाभांश का पैसा दिया, जिसके बाद हबीबगंज पुलिस ने शिवहरे पर अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। दिलीप शिवहरे पर लोगों को पार्टनरशिप के नाम पर कई और धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। CSP भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिवहरे को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया है। हबीबगंज थाने के द्वारा उनके अपराध में धारा 406 के अपराध में उसकी गिरफ्तारी की है और उन्हें न्यायालय पेश किया गया। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज़ादी के पहले से बसा त्योंथर तहसील का मुरली गांव अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शासन की योजनाओं से अछूते इस गांव में सड़क पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों के नसीब में नहीं है। गांव के बच्चों को आज भी पढ़ने जाने के लिए पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है और प्रशासन की इसकी कोई खबर तक नहीं है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सब पढ़ें सब बढ़ें जैसी अन्य कई सरकारी योजनाओं को मुंह चिढ़ाती है तस्वीर रीवा जिले के त्योथर के मुरली गांव की है, जहां आजादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद आज तक किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ और यहाँ के लोग घुट घुट कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। न चलने को सड़क, न पीने को पानी, न ही घरों में शौचालय है। हर चीज के लिए मोहताज हैं यहाँ के लोग। यहाँ सरकारी नल काफी समय से खराब पड़े हैं। गांव के लोग अब परेशान और हलाकान हो रहे हैं। गांव के लोग आज भी सर पर बाल्टी और मटका रखकर दूर दराज तक पानी भरने जाते हैं और उसके लिए उन्हें गांव की पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, गांव के कई घर अब भी बिजली से अछूते ही हैं। अरे यहाँ बहुत समस्या, अपना से बताई नहीं है, रोड है नहीं, यहाँ को सुने वाले आई गैस सिलेंडर दे वाले नहीं, यही के मतलब बहु बेटी माने बाहर न जात, लोटा ले ले बाहर जाती है। एक बार अहिया या नहीं आई के मतलब स्कूल हो जाए तो बहु बेटी जो उन्हें पढ़ाई वाली बेटी तहिया पढ़ा पचमा के आगे कौनो बेटी नहीं है। दिक्कत है सर, यहाँ स्कूल पचमी तक है, पचमी के आगे स्कूल नहीं है, तो बच्चे पचमी तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर 7 किलो दूर पड़ता है, बच्चे जा नहीं पाते हैं वहाँ, छोटे छोटे कोई सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई शासन का योजना नहीं यहाँ मिलता है और कोई मकान शासन की योजना से यहाँ पर नहीं बने हुए हैं आज तक। उनको पढ़ाने में बड़ा कष्ट है, जंगल पड़ जाते हैं 8 किलोमीटर, तो बच्चे हम लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, शासन सब योजना दे रही हम लोगों तक नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड में गल्ला जिसे हम पीछे दे गई थी तो घाट उतर के गई थी, वह 10 किलोमीटर। मुरली गांव में प्रशासन ने नाम मात्र के लिए बिजली के तार तो पहुंचा दिए, लेकिन अब तक बिजली नहीं पहुंचा सके। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक पाठशाला बनवाई तो गई है, परंतु उसमें केवल कक्षा 5वीं तक की ही पढ़ाई हो पाती है, जिसके कारण आगे की पढ़ाई उनके बच्चे नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई आगे की पढ़ाई करना भी चाहे तो उसे पहाड़ी मार्ग से गुजरकर अन्य स्थानों पर जाना होता है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना का लाभ भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा है।
इन सब समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार उच्च स्तर तक शिकायत भी की है, मगर शासन प्रशासन के द्वारा अब तक उनकी समस्याओं का किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं किया जा सका है। यहाँ परेशानी है, न लेटरिन है, न बाथरूम है, न कोई यहाँ विधायक आ सकता है, बोर्ड को आ सकता है, बाकी यहाँ कोई कोनो सुनाई नहीं है, न यहाँ घर के पैसा न कोनो सुविधा है, कोनो चीज का नहीं है। दुखी बेरामी है तो ले जाए कढ़ी ला के, बच जाए तो बच जाए, नहीं तो जी गए तो जाना बड़ी बात है। जिस गाँव की बात आप बता रहे हैं, ये संभव है कि दूरस्थ जो ग्राम है, कई बार उनमें सुविधाओं का अभाव हो जाता है, उसके लगातार और सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। इस गांव में जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसा आपने बताया कि पांचवी के बाद बच्चे जो हैं यहां पर अन्य गांव में पढ़ने के लिए जाना होता है, सड़क और बिजली पानी की भी आपने यहाँ पर कमी बताई है, जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो पंचायत के माध्यम से और अन्य विभागों के माध्यम से यहाँ पर प्रदाय की जाना चाहिए, ये एक बार हम पूरा से इन ग्रामों में रिव्यू करेंगे और संबंधित जो भी अधिकारी हैं इसमें जो भी आवश्यकताएँ हैं उनका आकलन करते हुए इसमें सुविधाएँ मुहैया कराएंगे। अंबिकापुर में जिला पंचायत के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा जिला में पंचायत चुनाव में 14 सीटों में से 10 सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है और यह बहुत ही गर्व की बात है। अंबिकापुर में पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला पंचायत के सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को जिला पंचायत सीईओ कुलदीप शर्मा ने शपथ दिलाई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उपस्थित हुए। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायत में बना लिए हैं और 15 साल से काबिज रही भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा यह पहला सम्मेलन किया गया। शपथ ग्रहण के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा जिला पंचायत चुनाव में 14 सीटों में से 10 सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है, जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपना स्थान बनाया है और यह बहुत ही गर्व की बात है कि महिलाओं की संख्या इस बार पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है, जिससे यह साबित होता है कि महिला सशक्तिकरण में हम बहुत आगे हैं। यह अनुसूचित जनजाति इलाका है, यहाँ शहरों की तुलना में महिला और पुरुष में लिंग अनुपात कम है, ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक होती है तो देखकर खुशी भी महसूस होती है। 14 में 10 तो ये बड़ी संख्या है और खुश करने वाली संख्या है। अगर आधा आरक्षण भी महिलाओं के लिए था तो 14 में 7 आती, लेकिन 10 महिलाएं चुन के आई हैं, ये इस बात को इंगित करता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हम बहुत आगे बढ़े हैं। ये अनुसूचित जनजाति इलाका कहलाता है, ट्राइबल इलाका कहलाता है, आदिवासी इलाका कहलाता है, और परंपरागत तौर पे भी यहाँ अगर आप देखेंगे तो जेंडर इक्वालिटी तुलनात्मक बेहतर होती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लिंग अनुपात में भी ट्राइबल एरियाज़ में महिलाओं का और पुरुषों का लिंग अनुपात की अंतर कम होता है तथाकथित विकसित शहरों की तुलना में, लेकिन जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में इनको जब मौका नहीं मिल पा रहा था तो राजीव जी के समय जो पंचायती राज आया और उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात आई, आज आरक्षण के आगे भी महिलाएं मैदान में उतर के और चुनाव लड़ के और जीत के सामने आ रही हैं। मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी और सामान्य रूप से भी ये बहुत ही खुशी की बात है। छतरपुर पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चोरी करने के इरादे से घर में घुसे आरोपी ने महिला को बेहोश कर उसके साथ ज्यादती की और फिर धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी। पुलिस को आरोपी के पास से नकदी और जेवरात भी मिले हैं। छतरपुर में दिल दहला देने वाली अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बिजावर क्षेत्र के शाहगढ़ में आरोपी बंटी लोधी चोरी करने के इरादे से जैन परिवार के घर में घुसा था, जिसको घर में अकेली मौजूद 50 वर्षीय महिला ने देख लिया और आरोपी युवक को रोकने की कोशिश की। युवक ने कपड़े से महिला का मुंह दबाया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म करते हुए धारदार हथियार से महिला के गले पर हमला कर दिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई और आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक बंटी लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 57,000 रुपए नगद एवं चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। 18 तारीख को एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें राजकुमारी जैन नामक 50 वर्ष की महिला की इनका घर में जो है मृतक शरीर डेड बॉडी
जनरल नवस्था मिला था जिसके गर्दन देखकर जो है उसके थरदा हथियार से रहता हुआ था। इसमें पिन भी अनावरण हो चुका है। आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया है वह जो है महिला को अकेले घर में देखकर चोरी करने के लिए वो घर के अंदर गया था। जब वो चोरी को अंजाम दे रहा था तो महिला जो है महिला ने उसको देख लिया, इससे वो घबरा कर अपने रुमाल से जिसमें डाई लगा हुआ था उसके मुँह में डाल दिया, इससे महिला बेहोश हो गई। फिर उसने चोरी को जो है अंजाम दिया। उसका जाते वक्त इस डर से कि कहीं महिला जो है किसी को बता ना दे, ब्लेड से लेकर उसका जो है गर्दन रेप दिया। भोपाल के संत हिदाराम नगर में यूएसए से आए फायर फाइटर और नगर निगम भोपाल के फायर फाइटरों ने संयुक्त अभ्यास किया। इस संयुक्त अभ्यास में फायर फाइटरों ने आग की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया और बताया कि कैसे समय रहते आग पर काबू पाया जा सकता है। भोपाल स्थित फायर स्टेशन पर भोपाल नगर निगम फायर फाइटरों ने यूएसए से आए फायर फाइटरों के साथ आग पर काबू पाने के लिए संयुक्त रूप से अभ्यास किया। अग्नि सुरक्षा और रोकथाम पर आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम ग्वालियर के साजिद खान, सेवा सदन के ट्रस्टी लोकुराम जनियानी सहित कई गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में भोपाल फायर कर्मी उपस्थित रहे। यूएसए से आए फायर फाइटर टीम ने अग्नि सुरक्षा और रोकथाम पर विचार विमर्श किया, जिसके बाद अग्नि सुरक्षा को लेकर डेमो भी दिया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि अगर गैस लीक होती है या कहीं आग लग जाती है तो किस तरह बचाव करना चाहिए। कार्यक्रम को सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय की सहायता से नगर निगम भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। भोपाल फायर ब्रिगेड से दोनों मिलकर हम लोग यहाँ पे एक जागरूकता अभियान करेंगे और आदान प्रदान करेंगे कि हमारे मुल्क में भले इक्विपमेंट कम है लेकिन जो हौसला और पावर है उसका पूरी दुनिया कोई मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखें जल्दी आग में लोगों को निकालना बचाना, दुनिया के दूसरे फायर फाइटरों को देखते हैं जो उनके पास इक्विपमेंट तो होते हैं लेकिन हौसला नहीं होता। हौसला हमारे देश के फायर फाइटर फायरमैन जाबाजों के पास होता है। आज मिलजुल के हम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं और संत हिदाराम नगर में सेवा सदन के माध्यम से ये एक प्रोग्राम आयोजन किया गया है। नगर निगम और सेवा सदन के प्रधान दोनों हम लोग मिलजुल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बसंतोत्सव आवास ऋण योजना का शुभारंभ किया। बसंतोत्सव ऋण योजना की जानकारी देते हुए बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एसडी माहुरकर ने बताया कि यह योजना 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें प्रक्रिया शुल्क नहीं रखा गया है। इसके साथ ही न्यूनतम ब्याज दर के साथ लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए बसंतोत्सव आवास ऋण योजना निकाली है, जिसके तहत ग्राहक अपना घर लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एसडी माहुरकर ने बताया कि इस योजना के तहत लोगों को 8% की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होगा, जिसमें कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं होगी। माहुरकर ने बताया कि लोन का लाभ कोई भी उठा सकता है। लोन अधिकतम 30 वर्ष के लिए रहेगा और 75 वर्ष की आयु के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही लोन की न्यूनतम ईएमआई 734 रुपये प्रति लाख होगी। माहुरकर ने बताया कि इसके अलावा बैंक और कई तरह जैसे व्यवसाय, शिक्षा, किसान और अन्य कार्यों के लिए आसान तरीके से लोन उपलब्ध कराता है। बसंतोत्सव योजना ये खास करके जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इनके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 12 फरवरी से ये स्कीम लॉन्च किया हुआ है। ये स्कीम 31/3/2020 तक रहेगा और इसमें कई ऑफर हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं रहेगी, प्रोसेसिंग फ़ी नील रहेगी। इसमें न्यूनतम ब्याज दर इसमें दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफर कर रही है 8% का। इसमें और भी कई अच्छी चीज़ें हैं जो 30 साल तक का अपना रीपेमेंट इसमें दिया जाता है और हम चाहते, सेंट्रल बैंक चाहते हैं कि जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं वो ज़रूर सामने आए और इस बसंतोत्सव आवास ऋण योजना का लाभ उठाए। तापसी पन्नू अभिनीत हिंदी फिल्म थप्पड़ को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद राज्य कर विभाग ने फिल्म को 3 महीने के लिए SGST से छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। अनुभव सिन्हा की निर्देश में बनी फिल्म में घरेलू हिंसा का मुद्दा उठाया गया है।
तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ को मध्य प्रदेश ने टैक्स फ्री कर दिया है। सरकार के निर्णय और आदेश जारी होने के बाद राज्य कर विभाग ने सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को निर्देशित किया है कि फिल्म देखने आने वाले दर्शकों से टिकट पर SGST न वसूलें। फिलहाल फिल्म की टिकट पर 18% GST लगता है, इसमें से आधा हिस्सा SGST का होता है। प्रदेश सरकार इसी कर में छूट प्रदान कर रही है। इसी तरह पूर्व में दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को भी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया था, पर टिकट की कीमत में GST जुड़ा होने के कारण इसका लाभ दर्शकों को नहीं मिल पाया था। ऐसे में इस बार राज्य कर विभाग को SGST नहीं वसूलने के अलग से निर्देश देना पड़े हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।